हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज तो इस वीडियो में हमने दो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं जो दोनों प्राइवेट स्कूल्स में है एक स्कूल है और एक कॉलेज है बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें एक में जो है गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाएंगी और एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा और दूसरा जो है दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्रिंसिपल्स के लिए पोजिशन है तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अब तक नहीं किया है क्योंकि जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप अप्लाई कर पाएंगे आपके आ, क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंसेस के हिसाब से तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो पहले हम स्कूल की बात करते हैं ये इनका जो है एडवर्टीजमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्यारह तारीख को ये आया था और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है तो इसमें एक्चुअली एक तो इनको टीजी टी चाहिए सोशल साइंस के लिए जिसमें आपकी एम या बी ऑनर्स होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में और कम से कम सेकेंड डिविजन साथ में बी होना चाहिए और सी टेट होना चाहिए ये कंडीशन है फिर असिस्टेंट टीचर चाहिए मोन्टेसरी के लिए उसके लिए बी ए और एन टी टी आपका बी लेब या एम लेब आपने करा हो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बी एफ एम एफ ए आपने करा हो बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स या मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स और स्कूल काउंसलर की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एम ए साइकोलॉजी आपने करा हो और साथ में डिप्लोमा करियर काउंसलिंग में आपका होना चाहिए फिर एक स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है जिसमें ग्रेजुएट विद बीएड या फिर स्पेशल एजुकेशन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर बीएड के साथ आपने दो साल का डिप्लोमा करा हो स्पेशल एजुकेशन में तो ये बेसिकली कंडीशन है और जो प्रोफिशियंसी इन इंग्लिश इज अ मस्ट ऑब्वियसली इट एज एंड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स तो जो भी गवर्नमेंट का रूल रहता है उसके हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं और ये एन में है जो आप जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट की पी है तो उसके अंदर उनकी अलग अलग टाउनशिप में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं तो ये उसी का पार्ट है और जो टीचर्स वहाँ पे रहेंगे उनको ऑन कैंपस उनकी जो टाउनशिप है उसी में एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा एकोमोडेशन इन एनटीपीसी टाउनशिप और इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी एट सब्सिडाइज रेट एज पर स्कूल पॉलिसी तो बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मोस्टली इन टाउनशिप में रहता है सारी अक्सर ये शहर के बाहर होती है बट सारी सुविधाएं मार्केट स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ उसी के अंदर रहता है आ, ओडिशा में ये है बाल भारती पब्लिक स्कूल सुंदरगढ़ ओडिशा एन है ये एन टी पी सी डार्ली पाली तो वहां पे ये वैकेंसी है और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूं तो ये इनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे bbpsdarlipali.com तो आपको ये इस तरह से वहां पे मिलेगा तो वहां पे जो होम पेज के ऊपर जो नोटिफिकेशन आएगा वो वहां से आपने इसके लिए अप्लाई करना है राइट right? तो इसकी जो नोटिफिकेशन है जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा ये इस तरह से और जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 दिसंबर दो तो आज पंद्रह तारीख है अभी पाँच दिन का टाइम है इसमें आपके पास अगर आप इंटरेस्टेड हैं बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप सैलरीज या लाइफ के हिसाब से देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो वैकेंसीज हैं तो आप इस पेज के ऊपर आएंगे उसके बाद आप यहां से स्क्रॉल डाउन से सेलेक्ट करेंगे कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर आपने सारी डिटेल यहां पे भर देनी है आपकी जो है रिज्यूमे वगैरह फिर आपने अपलोड करना है और सबमिट कर देना है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप उस एरिया में रहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं मूव करने में इलमोस्ट एज गुड एज अ गवर्नमेंट स्कूल तो ये आपको सुविधाएं ये एक है दूसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो दूसरी जो वैकेंसी है हायर एजुकेशन में वो बेसिकली पुणे में है तो उसमें एक तो प्रिंसिपल चाहिए उनको ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एक ही पोजिशन है ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रिंसिपल के लिए है और ये ओपन है और दूसरी जो है वो ट्रिनिटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग वहां पे भी एक पोजीशन है जो वन वो, वो भी ओपन है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज एंड पे स्केल विल बी एज पर दी एआईसीटीई डीटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नॉर्म्स तो जो भी महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से जो पे स्केल है वो इसमें एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल के लिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपने एक कॉपी एप्लीकेशन की जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिजर्वेशन सेल पुणे यूनिवर्सिटी को भी भेजना होगा और उसके साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने दो टेस्टेड फोटो आपने भेजनी है सारे रेलिवेंट सर्टिफिकेट की एक एक कॉपी बायोडाटा के साथ और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने भेजने हैं और ये इंस्टीट्यूट है केजेएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोंडवा सासवर रोड बोबदेव घाट पुणे पुणे की एकदम एकदम जो सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ ये पड़ता है बट इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन आपको पंद्रह दिन के अंदर भेजना है इस एडवर्टीजमेंट के इस ईमेल आईडी के ऊपर जो यहाँ पे मैं एच आर के जेई आई एट जी मेल डॉट कॉम ये नौ तारीख को पब्लिश हुआ था हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो इसका मतलब आपको तेईस तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं Obviously, interview के लिए कोई TADA pain नहीं करा जाएगा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं Educational Institute. इनके वगैरह भी यहाँ पे mention है अगर आप चाहें तो पहले कुछ और क्लैरिफिकेशन आपके हैं तो आप कॉलेज में डायरेक्टली फोन करके पता कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं मुंबई पुणे या आसपास या इनफैक्ट कहीं और भी रहते हैं इंटरेस्टेड इन मूविंग फॉर दिस Uh, so these were the two vacancies. Hope these would be useful for someone. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.